हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंगद जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और न्यू थ्योरम जो कि काफी ज्यादा आती है पेपरों में, ये क्यों इंटीरियर की कन्वर्स थ्योरम है। वहां पर हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में समझा था कि कैसे को इंटीरियर रेक्टो को हम 180 प्रूफ करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक थ्योरम है जिसमें आपको को इंटीरियर एंगल पहले से गिवन है लेकिन आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। आइए समझते हैं स्टेटमेंट को। इफ आर, देखिए ये जो थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 5 है, 6.5। अब देखिए जब थ्योरम को समझते हैं, इफ आर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं है। जब भी आपको पैरेलल लाइंस दी जाए तो समझ लीजिए ये कन्वर्स थ्योरम नहीं है। आपको यहां पर पैरेलल लाइंस नहीं दी है, इसका मतलब ये कन्वर्स थ्योरम है। तो इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles, such that a pair of interior angles of the same side of a transversal, on the same side of the transversal, जो भी same side होगी transversal की, is supplementary, then the two lines are parallel। जो भी हमारी transversal line की जो supplementary, मतलब कुल मिला के कहना क्या है कि जो दो parallel lines है उनको ये transversal line क्या कर रही है, cut कर रही है। और cut करने पर जो अंदर के interior angle बन रहे हैं 4 और 5 और 3 और 6, वो क्या है, को इंटीरियर एंगल है। मतलब उनका सम सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो सिंपल सी बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन लेते हैं, गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें एक ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड ई एफ लाइन, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब उसके बाद और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। मतलब एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री है और एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, 180 डिग्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या दे रखा है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि एंग ए बी, जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। मतलब ए बी लाइन सी डी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा हमें सिंपल सी बात करनी है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वल कर दिया जाए, ठीक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है ए बी इज अ लाइन एंड ओ ई इज अ रे। आपको मालूम है AB एक लाइन है और OE एक रे है, तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर फिगर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। हमको मालूम है कि एक लाइन पर एक अगर रे गिरती है तो वो कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि उसके दोनों एंगलों का सम होता है। ये हमने लिखा है। अब इसके बाद हमको मालूम है कि क्योंकि हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ओके। तो देन हमको मालूम है कि 4 और 5 को इंटीरियर एंगल है, तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल, लेकिन हम को इंटीरियर एंगल नहीं मान सकते बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, तो हम इसको ये नहीं ले सकते। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। समझाने की बात भी है, क्यों लिखा मैंने यहां पर, क्योंकि हमें समझना है कि जब तक ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तब तक हम ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, ना अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, ना को इंटीरियर एंगल ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ले सकते हैं, वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि वो लगता है जब दो लाइन आपस में कट करते हैं। बाकी बचे हुए तीनों एंगल्स
तभी काम करेंगे जब लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये किस लिए हुआ, क्योंकि लीनियर पेयर था, ठीक है, इसमें करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं लगे। अच्छा, अब दूसरी चीज इसने दी है, गिवन दिया है हमें कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने क्यों लिया है, कि हमें गिवन है, को इंटीरियर की वजह से नहीं लिया, को इंटीरियर तो हमें तब पता चलेगा जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो ये 3 और जो 4 और 5 हमने जो लिया है 180 डिग्री, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें गिवन था, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मालूम है ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। अब चलते हैं हम एंगल 1 की तरफ और एंगल 2 की तरफ। तो देखिए आप, एंगल 2 एंगल 4 के क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पर हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको मालूम है जब एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम 2 की जगह पर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन पहली लेंगे 4 को और दूसरी ले लेंगे हम जो हमने अभी निकाली है। जब दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो आपको मालूम है इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आपको मालूम है कि एंगल 4 प्लस का है और यहां पर भी प्लस का है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमको मालूम है एंगल 4 और एंगल 5 कैसे, क्योंकि ये इधर गया तो इधर जाने पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और एंगल 1 और एंगल 5 बचा, तो वो एंगल 1 और एंगल 5 को हम लिख देंगे। मैं यहां लिख देता हूं लाइन खींच के, हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब आपको मालूम है जब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है तो ये दोनों क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहां पर लिखेंगे नीचे करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको मालूम है कि जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं देन एंगल ए बी, मतलब एंगल ए लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी और डी, ये हमको प्रूफ करना था, यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो इसी तरीके से हमें इस थ्योरम को भी सॉल्व करना, बहुत ही इजी थ्योरम थी, समझ में भी आई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझा, एक ये भी चीज समझी कि पैरेलल लाइंस जब नहीं होती तो हम एंगल्स का यूज नहीं करते और जब पैरेलल लाइंस होती है तब हम एंगल का यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने इस थ्योरम में ये समझी कि जब भी कोई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं देन वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन है उसको हिट करिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।